दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल एड्स बिजनेस मैनेजर अकाउंट की, और जिसको हम गूगल एड्स एमसीसी अकाउंट भी बोलते हैं। मैं बता दूं, एमसीसी और बिजनेस मैनेजर अकाउंट्स के बहुत सारे फायदे हैं अगर आप गूगल एड्स कैंपेन रन करते हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, आपके पास बहुत सारे मल्टीपल गूगल एड्स के क्लाइंट्स हैं, तब आपको एमसीसी अकाउंट्स का यूज करना चाहिए। कैसे क्रिएट होगा एमसीसी अकाउंट, कैसे उसमें आप एमसीसी अकाउंट्स के अंदर और अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो, सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बिजनेस मैनेजर अकाउंट काफी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख के इसको अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ बेनिफिट समझ लेते हैं बिजनेस मैनेजर अकाउंट के, इसके बाद हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर उसके अंदर एड अकाउंट क्रिएट करना भी आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिस भी स्टूडेंट ने हमारे डिजिटल सोम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, गूगल एड्स से रिलेटेड सारी वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं बिजनेस मैनेजर अकाउंट्स की। तो बिजनेस मैनेजर अकाउंट्स में आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं, पहले बेनिफिट समझ लें, तो शायद आपको अपने क्लाइंट्स के लिए नॉर्मल अकाउंट यूज करते होंगे, तो आज से आप बिजनेस मैनेजर अकाउंट यूज करना स्टार्ट कर दें। तो गाइस, मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे आ गया हूं, अब आप समझें बेनिफिट्स क्या हैं गूगल एड्स बिजनेस मैनेजर अकाउंट के, तो शायद आज से आप बिजनेस मैनेजर आप यूज करना स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले आप ये देख लें, आप सिंगल साइन इन में आप मल्टीपल क्लाइंट्स के अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। मान लो आपका ये बिजनेस मैनेजर अकाउंट है और आप एक सिंगल साइन इन में, मान लो आपका क्लाइंट ये है, दूसरा क्लाइंट ये है, तीसरा क्लाइंट ये है, तो सिंगल साइन इन में आप मल्टीपल क्लाइंट्स के जो भी अकाउंट है मैनेज कर सकते हैं बिजनेस मैनेजर के अंदर। जितने भी सारे क्लाइंट्स होंगे आप एक अकाउंट पे उनको सारे क्लाइंट्स का एक्सेस आप एक अकाउंट पे दे लोगे, और उस अकाउंट के अंदर भी सब अकाउंट्स बन जाते हैं, तो सारे जितने भी क्लाइंट है सारे क्लाइंट्स को आप एक अकाउंट में, बिजनेस मैनेजर अकाउंट में आप उनको इजिली उनके कैंपेन को एक्सेस कर पाओगे, डैशबोर्ड को देख पाओगे, सारा कुछ आप कर पाओगे बिजनेस मैनेजर अकाउंट से। दूसरा है मंथली इनवॉइस। अब देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट यही मुझे यहाँ पे लगता है। अब यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल अकाउंट्स रन कर रहा है, इसका मंथली इनवॉइस मान के चलो 1,00,000 रुपए स्पेंड हुआ किसी कैंपेन में, इनका अलग मंथली इनवॉइस बन रहा है, इनका अलग बन रहा है, और सभी में मुझे जाके देखना पड़ रहा है। अब बिजनेस मैनेजर से हम सारे लिंक कर देंगे तो यहां से हम मंथली इनवॉइस आराम से देख पाएंगे कि सारे जो मेरे अकाउंट्स हैं बिजनेस मैनेजर के अंदर उनका मंथली इनवॉइस क्या है, हम यहाँ से आराम से देख पाएंगे। कैंपेन का परफॉर्मेंस, जितनी भी कैंपेन्स हैं, कोई अलर्ट है, सारा कुछ हम बिजनेस मैनेजर अकाउंट में देख पाएंगे। होता क्या है, जब हम मल्टीपल अकाउंट्स यूज करते हैं तो मान लो किसी अकाउंट में कोई कैंपेन डिसअप्रूव हो गई तो हमें उस अकाउंट में जाएंगे फिर देखेंगे, इससे अच्छा है आप एक अकाउंट में सारे कैंपेन्स को देख सकते हो, सारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके, क्योंकि अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग अलग अकाउंट होगा, तो सारे क्लाइंट्स के अकाउंट को एक अकाउंट में लिंक करके आप सारे काम कर सकते। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं कि कैसे बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं या फिर आप खुद भी एजेंसी हैं तो क्लाइंट्स होंगे आपके पास बहुत सारे, तो बिजनेस मैनेजर अकाउंट का कैसे यूज करना है, कैसे सामने वाले क्लाइंट्स का एक्सेस आपको अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट में लेना है, वो सब भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, जैसे ही मैंने गूगल एड्स यहाँ पे मैनेजर अकाउंट टाइप किया, यहाँ पे देख सकते हो मैनेज मल्टीपल गूगल एड्स अकाउंट, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है और हम यहाँ से अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। तो गाइस, मैं मेन डैशबोर्ड पे आ गया हूँ गूगल एड्स के, और यहाँ पर हमें अकाउंट क्रिएट करना है। देख सकते हो अकाउंट 1, अकाउंट 2, अकाउंट 3, इस तरीके से हम बहुत सारे अकाउंट्स को एक सिंगल अकाउंट में मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैनेज ऑल योर गूगल एड्स अकाउंट फ्रॉम वन प्लेस, आप एक प्लेस से सारे अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हो। क्या करना है, पहले इसको एमसीसी अकाउंट भी बोलते थे, अगर कभी आपसे कोई पूछ ले एमसीसी अकाउंट यूज करते हो, तो पहले गूगल एड्स बिजनेस मैनेजर जो अकाउंट होता है उसको हम एमसीसी अकाउंट्स भी बोलते थे, याद रखें इस चीज को। अब यहाँ पे आने के बाद आपको एक बटन मिलेगा क्रिएट अ मैनेजर अकाउंट, इस बटन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्रिएट अ मैनेजर अकाउंट पे क्लिक करोगे आपके सामने इस टाइप से एक डैशबोर्ड आएगा, इस डैशबोर्ड में सिंपली लिखा भी रहेगा कंफर्म योर बिजनेस इन्फॉर्मेशन। तो अभी के लिए मैं दे देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने नेम ही दे दिया इस बिजनेस अकाउंट का, एक नेम दे देता हूँ, ठीक है, मैंने एक नेम दे दिया एग्जाम्पल, एक मैंने डिस्प्ले नेम दे दिया, ये नेम है, आप जो भी रखना चाहते हैं आप अपनी कंपनी के नेम से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी यूज ऑफ द अकाउंट मैनेज
पीपल्स अकाउंट मैनेज माय अकाउंट्स, अगर आपके खुद के अलग अलग काम है अलग अलग निशेज पे या अलग अलग कैटेगरीज में, तो आप खुद के भी बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना सकते हो। अभी भी बना रहा हूँ मैनेज अदर पीपल्स अकाउंट, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। बिलिंग कंट्री, टाइम, करेंसी, ये आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, आप जिस भी कंट्री से हैं, जहाँ पे जो भी आपका टाइम है, जो भी आपकी करेंसी है। तो अभी के लिए हम इसको करते हैं सबमिट, मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। आप एक्सप्लोर पे क्लिक करूंगा, ये आपके पास गूगल एड्स का बिजनेस मैनेजर अकाउंट आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आपका गूगल एड्स का नॉर्मल अकाउंट रहेगा उसमें यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन आएंगे, आपके पास सब कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ही फंक्शंस आपको उस अकाउंट में आप कंपेयर करेंगे तो इस अकाउंट से बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब सारा डेटा आपका कॉस्ट सीपीसी यहाँ पे सो जाएगा। अब आपको मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए कैसे सब अकाउंट बनाना है ये मान के चलो, जैसे कोई मान लो लाइक कोई डिजाइनिंग वाला है, कोई वेब डिजाइनिंग के लिए आपके पास क्लाइंट है तो उसके लिए कैसे अकाउंट बनाना है, कोई फिजिक्स के लिए अकाउंट लाइक फिजिक्स का कोई टीचर है जिसके लिए आप एड रन करते हैं तो उनके लिए कैसे अकाउंट बनाना है, कोई मैथ्स का टीचर है जिनके लिए आप एड रन करते हैं उनके लिए कैसे, आप इसी अकाउंट में सारे अकाउंट को लाइक मैनेज कर पाएंगे। आपको क्या करना है, अकाउंट्स पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे, परफॉर्मेंस सेक्शन के अंदर आपके पास ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक करना है, क्लिक कर सकते हैं क्योंकि लाइक अलग क्लाइंट है, उसने आज तक कभी एड रन नहीं किया, तो आप यहाँ पे एक उसके लिए अकाउंट क्रिएट करके उनकी कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही इस ऑप्शन का यूज हमें बहुत बार करना पड़ता है, लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट। अब मान लो कोई क्लाइंट आया, उसका ऑलरेडी अकाउंट है, आपको उसके अकाउंट को मैनेज करना है तो आप उसके अकाउंट को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। कैसे, मैं दिखा देता हूं आपको। लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करना है तो ये आपका सब अकाउंट आ गया। सब अकाउंट सेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट, एंटर द कस्टमर आईडी यू वांट टू लिंक योर मैनेजर। तो आप यहाँ पे कस्टमर आईडी जो रहती है गूगल एड्स की कस्टमर आईडी, तो वो आप यहाँ पे पुट कर देना और उनको सेंड रिक्वेस्ट भेज देना। जैसे ही सेंड रिक्वेस्ट भेजोगे, जिस आईडी से जो आप कस्टमर आईडी डालोगे वो जिस जीमेल से बनी होगी उस जीमेल पे मेल जाएगा, वहां से वो कन्फर्म करेंगे और यहाँ पे आपके पास अकाउंट उनका आ जाएगा, आप उनके अकाउंट को मैनेज कर पाएंगे। तो आई होप आज की वीडियो में आप समझ पाए कि कैसे लाइक यहां पर मल्टीपल अकाउंट्स आप एक साथ चला सकते हैं, सारे का लाइक जो जितने सारे अकाउंट्स है सबकी डिटेल आप यहाँ पे एक साथ डैशबोर्ड ओवरव्यू से देख सकते हैं, सारे अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे बिलिंग सेक्शन में सारे जितने भी आपके इनवॉइस हैं सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये वीडियो देख के आप अपना MCC अकाउंट क्रिएट कर लें और गूगल एड्स बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर लें। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप एक एजेंसी रन करते हैं, आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, तो आप उनके लिए इस टाइप से वर्क करें तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मैंने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके पूछना, मैं आपके उन कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।